हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.46 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ सिलेंडर एंड अ वेज विद अ वर्टिकल फेस टचिंग ईच अदर मूव अलोंग टू स्मूथ इंक्लाइन प्लेन्स फॉर्मिंग द सेम एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। The masses of the cylinder and the wedge are m1 and m2 respectively. The force of normal pressure N exerted by the wedge on the cylinder is, यानी आपको वेज के द्वारा सिलेंडर पर नॉर्मल कैलकुलेट करना है और एक कंडीशन भी दी हुई है, उसे सुने। Neglecting the friction between them, यानी कहीं पर भी फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है आपको। सिलेंडर और वेज जिस इंक्लाइन पे चल रहे हैं उन्हें पहले ही स्मूथ बता दिया गया है और अब बोला गया है नेगलेक्टिंग द फ्रिक्शन बिटवीन देम, यानी फ्रिक्शन को किसी भी सरफेस पे यूज नहीं करना है। एक बार डायग्राम देख लें जो गिवन है। इस तरह से दो इंक्लाइन प्लेन दिखाए गए हैं जिनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिल्कुल सेम है। एक इंक्लाइन पर एक वेज चल रहा है, कुछ इस तरह का पिक्चर बनाया गया है। आप इसे ध्यान से देखें, कुछ इस तरह से एक वेज को इस इंक्लाइन पर रखा गया है। इसका कुछ पार्ट ऐसे शो किया गया है और कुछ इस इंक्लाइन के सरफेस पे, और एक सिलेंडर को इससे टच करते हुए और इस वेज पे टिके हुए दिखाया गया है। कुछ इस तरह से मैं इस सिलेंडर को बना रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। ऐसे एक सिलेंडर को शो किया गया है। सो हमें इन दोनों सिलेंडर और वेज के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। सो कैसे करेंगे, एक बार ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस पॉइंट पर आए कि ये सिलेंडर इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। सो ये क्लियर हो जाता है कि इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर इसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। क्लियरली इसके एक्सेलरेशन को मुझे इस इंक्लाइन के पैरेलल बनाना चाहिए। ये ए सी के रूप में मैंने इस सिलेंडर के एक्सेलरेशन को प्रेजेंट कर दिया है, आप ध्यान देते रहें। ठीक इसी प्रकार वेज इस इंक्लाइन सरफेस पर टिका हुआ है तो क्लियरली इसके पैरेलल ये मूव करेगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। सो इस वेज के एक्सेलरेशन को भी मैं इस इंक्लाइन के पैरेलल शो कर रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहें। कुछ इस तरह से मैं इसे प्रेजेंट कर रहा हूं। ए डब्लू के रूप में मैं इस वेज के एक्सेलरेशन को लिख रहा हूं। एक बात पर और ध्यान दें कि इस पॉइंट पर ये वेज और ये सिलेंडर कॉन्टेक्ट में है। सो इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर दोनों का एक्सेलरेशन कॉन्टेक्ट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिमिलर होना चाहिए। सो एसी का अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं इस कॉन्टेक्ट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वो क्या होगा, आप ध्यान से देखें। वो कुछ इस तरह का बनाया जाना चाहिए और इसकी वैल्यू कितनी होगी इस पर ध्यान दें। इसकी वैल्यू होनी चाहिए इस एंगल के अल्फा होने के कारण हम इस एंगल को अल्फा मान सकेंगे। सो 90 माइनस अल्फा और इसे अल्फा होना चाहिए। सो इस एंगल के अल्फा होने पर यह 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा होगा। यानी एसी का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा उसे होना चाहिए एसी कॉस अल्फा। सो कुछ इस तरह का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा इस सिलेंडर के एक्सेलरेशन का। और अगर हम वेज की बात करें तो वेज के एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा वो होना चाहिए, एक बार फिर एंगल पर ध्यान से देखें, इस एंगल के अल्फा होने पर यह भी अल्फा होगा। सो AW का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली परफॉर्म करेगा उसे होना चाहिए AW cos अल्फा। अब यहां पर ध्यान दें, एक बात स्टूडेंट के दिमाग में आ रही होगी कि सर ने दोनों के एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर किए हैं। तो ध्यान दें, क्योंकि मैथमेटिक्स अपना काम कर रही है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सिलेंडर और वेज में से किसकी डायरेक्शन को डाउनवर्ड कंसिडर करें इंक्लाइन के अलोंग और किसको अपवर्ड कंसिडर करें। यह बात बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों एक साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे। यह साफ दिखाई दे रहा है कि एक अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो दूसरे को इस इंक्लाइन के पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए। सो कोई एक डाउनवर्ड और कोई एक अपवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लेगी सो मैथमेटिकली ये सभी
कैलकुलेशन में इंक्लूड हो जाएगा। अब ध्यान दें, ए डब्ल्यू और ए सी के एक्सेलरेशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से आए हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्ट के बने रहने के केस में इस डायरेक्शन में दोनों के एक्सेलरेशन सिमिलर होने चाहिए। सो वेक्टोरियली अगर मैं इन दोनों के एक्सेलरेशन कंपेयर करूं तो ए सी कॉस अल्फा आई कैप को इक्वल होना चाहिए ए डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस आई कैप के, यानी इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया है क्योंकि मैं जानता हूं कि इस कॉन्टेक्ट के बने रहने के लिए इन दोनों एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स को वेक्टोरियली सेम होना चाहिए। सो इस कंडीशन को सॉल्व करने पर और आई वेक्टर के कोफिशियंट कंपेयर करने पर जो आउटकम हमें मिलेगा उस पर आप ध्यान दें, ये होगा ए सी कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस ए डब्ल्यू कॉस अल्फा, यानी ए सी इक्वल टू माइनस ए डब्ल्यू लिखा जा सकता है फाइनल रिजल्ट को, यानी सिलेंडर और वेज के एक्सेलरेशन के मैग्नेट्यूड एक माइनस साइन के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट होंगे उस केस में जब आप AC और AW दोनों को इंक्लाइन के अलोंग डाउन कंसीडर करेंगे। अब यहां पर ध्यान दें कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से यह बात निकल के सामने आ गई है और इस माइनस साइन के आने की वजह आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि यह माइनस साइन इंडिकेट करा रहा है कि इन दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन रिवर्स होना चाहिए, यानी वेज या सिलेंडर में से किसी एक को अपवर्ड मोशन करना चाहिए इंक्लाइन के अलोंग और किसी एक को डाउनवर्ड मोशन करना चाहिए। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप डायरेक्शन को फ्रीडम से कंसीडर कर सकते हैं, मैथ्स कैलकुलेशन में इन सभी बातों को इंक्लूड कर लेती है। अब ध्यान दें एसी और एडब्ल्यू का माइनस आपस में इक्वल हो चुके हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली और अब हमें इसकी डायनेमिक्स को सॉल्व करना है, तो मैं सिलेंडर पर लगने वाले सभी फोर्सेस को शो कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें, इस प्रॉब्लम में सिलेंडर के मास को M1 दिया गया है, सो इसके वेट को M1g लिखा जा सकता है। नॉर्मल जो वेज से इसे मिल रहा है उसे मैं N से प्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर N फोर्स ऑफ नॉर्मल प्रेशर को प्रेजेंट कर रहा है और थर्ड फोर्स जो इस इंक्लाइन से इसे मिलेगा उसे हम N1 से प्रेजेंट करेंगे। So, इस तरह से ये तीन फोर्स इस सिलेंडर के फ्री बॉडी डायग्राम में मैं देख पा रहा हूं और अब इस इनक्लाइन के अलोंग अगर मैं इसके मोशन की इक्वेशन लिखूं तो क्या इक्वेशन बनेगी, आप उसे ध्यान से देखें, वो होगी m1g का साइन अल्फा कंपोनेंट जो कि इनक्लाइन के अलोंग डाउनवर्ड है और चूंकि n1 इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो उसे इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा और n का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा वो होगा इसे अल्फा मान के इसे 90 माइनस अल्फा मानना पड़ेगा और इसे अल्फा, सो n का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में n cos अल्फा होना चाहिए, सो मैं इसे n cos अल्फा लिख दे रहा हूं और अब ये इक्वेशन होगी m1g sin अल्फा माइनस n cos अल्फा इक्वल टू m1ac। सो कुछ इस तरह से आप लिख पाएंगे इस सिलेंडर के इंक्लाइन के अलोंग मोशन को न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन की हेल्प से। और अब अगर ऐसी ही इक्वेशन इस वेज के लिए बनाई जाए तो पहले हमें इस पर लगने वाले फोर्सेस लिखने होंगे। आप ध्यान से देखें, एक mg परफॉर्म करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि इस वेज के लिए m2g होना चाहिए, मैं इस टर्मिनल पे बना रहा हूं ताकि एंगल हम क्लियरली देख पाए। इसके अलावा जो नॉर्मल इस वेज ने इस सिलेंडर को दिया है उसके अपोजिट एक नॉर्मल ये सिलेंडर इस वेज को भी देगा, सो मैं उस एन को इस पॉइंट पे शो कर रहा हूं। इस पॉइंट पर सभी फोर्सेस को शो करने से हम इन्हें क्लियरली देख पाएंगे और आप जानते हैं कि हम इस सिलेंडर और इस वेज को पार्टिकल मान के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सो फोर्स के ट्रांसफर होने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी इसे पार्टिकल ही माना जा रहा है और एक सरफेस के द्वारा मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन भी बनाया जाना चाहिए जिसे मैं इस केस में N2 से शो कर रहा हूं। चूंकि हम इक्वेशन इस इंक्लाइन के अलोंग बना रहे हैं तो N2 को इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अपनी इक्वेशन में। अब क्या इक्वेशन बनेगी इसको समझें, ये एंगल 90 माइनस अल्फा होना चाहिए और इस एंगल को अल्फा कहा जा सकता है, सो इस इंक्लाइन के अलोंग M2g का कंपोनेंट मैं लिखूंगा M2g साइन अल्फा और नॉर्मल का जो कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है वो है n cos अल्फा, सो m2g sin अल्फा माइनस n cos अल्फा को लिखा जाएगा m2
ए डब्ल्यू। कुछ इस तरह से वेज के मोशन की इक्वेशन बनेगी इनक्लाइन के अलोंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ की हेल्प से। अब कुछ ऐसी दो इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं और इन्हें सॉल्व करके हमें कैलकुलेट करना है कि दोनों सरफेसेस के बीच में कितना फोर्स एक दूसरे पर लग रहा है। सो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एन का वैल्यू कैलकुलेट किया जाना है और एसी का वैल्यू माइनस ए डब्ल्यू के बराबर है, ये हम जानते हैं। सो एसी को माइनस ए डब्ल्यू चेंज कर रहा हूं मैं इसी इक्वेशन में, आप ध्यान देते रहे। सो ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस एम वन ए डब्ल्यू। और अब अगर इन दोनों इक्वेशन का रेशियो कैलकुलेट किया जाए तो ए डब्ल्यू के कैंसिल होने के बाद केवल एन ही एक वेरिएबल के रूप में बचेगा और उसे सॉल्व किया जा सकेगा। सो ध्यान देते रहे क्या बनेगा इसको सॉल्व करके, आप ध्यान दें। मैं नॉर्मल को थोड़ा सा बैक शिफ्ट कर रहा हूं स्पेस लेने के लिए, और अब इनके रेशियो के रूप में मैं लिख रहा हूं एम वन जी साइन अल्फा माइनस एन कॉस अल्फा अपॉन एम टू जी साइन अल्फा माइनस एन कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस एम वन अपॉन एम टू। और इसे सॉल्व करने पर जो नेक्स्ट लाइन में मुझे मिलेगा टर्म वो होगा एम टू एम वन जी साइन अल्फा, देखते रहे एम टू एम वन जी साइन अल्फा माइनस एम टू एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम वन एम टू जी साइन अल्फा, और ये टर्म इसके साथ बनेगा माइनस माइनस प्लस एम वन एन कॉस अल्फा। सो कुछ इस तरह की इक्वेशन हमें मिलेगी और इसे सॉल्व करने पर क्या आउटकम मिलेगा उसे एक बार देखें। मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, इस स्टेप को आप समझ चुके हैं। माइनस एम वन एम टू जी साइन अल्फा को लेफ्ट में शिफ्ट करने पर यह बन जाएगा टू एम वन एम टू जी साइन अल्फा, और इस एम टू एन कॉस अल्फा को राइट शिफ्ट करने पर राइट में हमें मिलेगा एम टू प्लस एम वन एन कॉस अल्फा। यहां पर आप ध्यान दें मैंने एन कॉस अल्फा को दोनों टर्म से कॉमन भी ले लिया है, और अब इसे सॉल्व करने पर एन का फाइनल वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, आप ध्यान दें यह बनेगा टू एम वन एम टू जी साइन अल्फा अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू कॉस अल्फा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा के रेशियो को टेन अल्फा लिखने पर यह बन जाएगा टू एम वन एम टू जी टेन अल्फा अपॉन एम वन प्लस एम टू। सो कुछ इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन को लिखा जा सकेगा इन दोनों सरफेस के लिए। सो सिंपली इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां पर एक बात पे ध्यान दें, इस प्रॉब्लम को करते समय अगर किसी स्टूडेंट ने एसी को डाउनवर्ड इंक्लाइन के अलोंग और एडब्ल्यू को इंक्लाइन के अलोंग अपवर्ड कंसिडर किया होता तो ये रिलेशन जो अभी हमें मिला था एसी इक्वल टू माइनस एडब्ल्यू वो एसी इक्वल टू एडब्ल्यू मिलता। मैं इसे एक ही डायरेक्शन में लेके चला हूं, दोनों को डाउनवर्ड इंक्लाइन के अलोंग मैंने लिया है, तो इसका कारण समझे कि अगर मैथमेटिकली आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैथ्स को यह मालूम चल चुका है कि आपने दोनों को डाउनवर्ड लेकर के एक मिस्टेक की है, बट चूंकि मैथमेटिकली सब कुछ मैनेज हो रहा है तो इस तरह के स्टेप लेने से आप किसी तरह का कंफ्यूजन महसूस ना करें। कई बार मैं देखता हूं कि स्टूडेंट बहुत देर इस चीज को जज करने में लगाता है कि डाउनवर्ड लू या अपवर्ड लू, सिलेंडर को अपवर्ड लू या वेज को अपवर्ड लू, तो मैं यही बताने के लिए बार बार अपोजिट डायरेक्शन में प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं जिससे आपको यह पता लगे कि किसी भी डायरेक्शन में आप इनिशिएट करेंगे अगर कोई वैल्यू अननोन है तो उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें नहीं पता एसी और एडब्ल्यू की वैल्यू इस प्रॉब्लम में और हमें उनकी डायरेक्शन के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है, तो हम आर्बिट्रेरीली कोई भी डायरेक्शन चुन सकते हैं थोड़ा सेंसिबिलिटी के साथ। आर्बिट्रेरी का मतलब यह नहीं कि आप कहीं को भी चुन लें, क्योंकि हमें इस सरफेस पे कॉन्टेक्ट भी बनाए रखना है, तो उस लॉजिक के बेस पे हम इसे इंक्लाइन के अलोंग ही चुनेंगे। ठीक वही कंसेप्ट हम यहां पर भी लगाएंगे, लेकिन डाउनवर्ड लेना है कि अपवर्ड लेना है इस प्रॉब्लम को आप अपने सामने ना आने दें, इससे आप बचें, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन में एसी और एडब्ल्यू को कंसिडर करके प्रॉब्लम आगे बढ़ाएंगे तो मैथ्स उसे संभाल लेगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और मैथ्स आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है कैलकुलेशन में। इस केस में मैंने दोनों को डाउनवर्ड माना था तो आप देख पाए कि एसी का वैल्यू माइनस ए डब्ल्यू आ गया, यानी मैथ्स आपके साथ साथ काम कर रहा है, उसने आपको अलार्म दिया
कि सर आपने दोनों को डाउनवर्ड मान लिया, किसी एक को अपवर्ड माना जाना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, मैथमेटिकल स्टेप में AC को माइनस AW लगा के जो भी रेक्टिफिकेशन होना था वो हो गया। आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशंस को कंसिडर करके प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएं। सो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसका सही आंसर जो गिवन है वो है 2m1m2 g10 अल्फा अपॉन m1 प्लस m2, और यही वैल्यू इस कैलकुलेशन से आउटपुट के रूप में हमें मिली है। थैंक यू।